बहुजन समाज पार्टी का अंतर्गत कलह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से बसपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष संजय ताजने के इस्तीफे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलक सदस्यों का कहना है कि संजय ताजने पार्टी और जनता का विकास तो दूर, लेकिन जो नगर सेवक अपने अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं उन्हें पद दिलाने के लिए लाखों रुपयों की मांग करते हैं। यही नहीं बल्कि उनके भाषण के समय आने वाली भीड़ भी पैसे देकर बुलवाई जाती है। वह सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, उन्हें पार्टी और जनता के विकास और परेशानियों से कोई मतलब नहीं, ऐसा पार्टी में कार्यरत नगर सेविकाओं का कहना है। संजय ताजने पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की छवि मलिन करने का भी आरोप लगाया गया है। मैं मंगला योगेश लांजेवार प्रभाग 7 की नगर सेविका माजी नगर सेविका हूँ और मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है ताजने जी से। हर बार पैसे की मांग किया है, मैं सभापति का पद भी मांग रही थी तो भी मुझे 2 लाख का ऑफर मांगा था, मैंने नहीं दिया और वो पद किसी और को दिया है। और हर बार फ़ोन करके बोलते थे इतने पैसे दे उतने पैसे दे, यानी पद चाहिए तो पैसे दे, ये तो कुछ नहीं होगा। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मिशन को आगे बढ़ाना है, क्या चल रहा है, कैसे किया जाएगा, या बहुत सारे दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उसको खींच के इधर लाओ, ऐसा कोई विचार नहीं था। और टोटली ये पैसे के पीछे है और पैसा ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, मिशन से कोई उसको लेना देना नहीं है। जिसको पद मिला है सभापति पद, उनके पास से भी पैसे लिए गए थे? हाँ बिल्कुल, उससे 3 लाख लेकिन लिए हैं, 3 लाख उसको पहले नहीं चांदीगर को दिया है, पहले भी उसको पद मिला था, उसने 3 लाख दिए, उसको दोबारा पद दिया गया। घोड़ेश्वर जी को गठबंधन नेता बनाया गया है तो क्या उसके लिए भी पैसा दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया गया है, बिना पद के बिना पैसे से कोई पद नहीं मिलता यहाँ पे, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, स्टैंडिंग हो कुछ भी हो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे ही पहले पहुँचाने पड़ते हैं उसको, तभी होता है। तो आप विरोध कर रहे लगातार इतने दिनों से, आंदोलन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो भी क्या करोगे आप? आंदोलन जारी रखोगे? आंदोलन बिल्कुल जारी रखेंगे जब तक वो उसका पद नहीं नीचे गिरता है, उसको पद से जब तक हटाए नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आपका ये जो मैसेज है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो संदीप ताजने जो है हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाए, और उनको जब ही हटाएंगे तभी हमारी बहुजन पार्टी सुरक्षित रहेंगी, हमारा मिशन सुरक्षित रहेगा, हमारा मिशन कामयाब होगा और हम आगे जाएंगे। मेरा नाम विरंका मुरलीधर बिवगड़े, माजी नगर सेविका प्रभाग 7। मैं बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका ममता महेसारे प्रभाग क्रमांक 9 से, मैं 2-2.5 साल हो गए बाहर निकल रही हूँ, प्रभाग में दौरा कर रही हूँ। इस वजह से मुझे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है कि जिन्होंने बहुत अफसोस किया है कि ताई तो लेडीज़ है मेरी बहुत सारी फ्रेंड जिनको इंटरेस्ट है इस बात में कि हम बहुजन समाज पार्टी में कार्य करें और मिशन आगे ले जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि हर कार्यक्रम के लिए उन्होंने कार्यक्रम में अटेंडेंस दिखाने के लिए भी उन्होंने पैसे मांग के गर्दी दिखाते हैं, और वैसे वजह जिसने पैसा नहीं दिया उनको कुछ महत्व नहीं दिया जाता है। और मैं 5 साल से नगर सेविका हूँ बहुजन समाज पार्टी से, मेरे हस्बैंड बहुत कर्तव्य निष्ठ है बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने उनको पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वो कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिया, सिंसियरली रखी अपनी, तो आज तक 5 साल में मुझे कोई पद दिया नहीं गया क्योंकि हमने उनको पैसा नहीं दिया इसलिए। और 2.5 साल से मैं देख रही हूँ, और मैं ये पद भी जो मुझे मिला है वो सब कार्यकर्ता के वजह से मिलता है, क्योंकि मैंने प्रचार के टाइम बहुत देखा है कि उन्होंने बहुत धूप छाव में घूम के हमारे लिए प्रचार करते, इसलिए सबसे बड़ा श्रेय है उनका है, और आज उनको ही निकाल दिया है जो कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता है, और पैसों वालों को ऐड कर दिया है, ये बहुत गलत बात है। मैं 2.5 साल से घूम रही हूँ तो ये बहुत से ऐसे मुझे वहाँ पता चला है कि ऐसे पैसे खा के पद दिया जाता है, ताई हमको भी कार्य करना है। और मैं चाहती हूँ कि बहन जी, सम्मानीय बहन जी और सिद्धार्थ साहब से विनंती करती हूँ कि हमारे इस आंदोलन को पूरा न्याय मिलना चाहिए, यही अपेक्षा है, धन्यवाद। देखिए कैसा है कि ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जो वाशिम का जो जिक्र आप कर रहे हैं तो वाशिम में जो भीड़ बुलाई गई है, नहीं संदीप ताजने का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, वो बहन जी का चेहरा है, लेकिन संदीप ताजने ने वहाँ पे एक गायक को बुलाया जो महाराष्ट्र में
प्रसिद्ध है जो अन्वीकर जी, उनके नाम से बुलाया है। देखिए आप बैनर अगर वहाँ के देखोगे तो सबसे बड़ा फोटो अन्वीकर का है, और अन्वीकर को वहाँ पे बुला के लोगों को गुमराह क्या किया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने पैसों को महत्व दिया है। मुझे बताओ अन्वीकर जी कि बाबा साहब ने ऐसे कौन से किताब में आपने पढ़े हैं कि बाबा साहब ने पैसों को महत्व दिया है? बाबा साहब ने तो शिक्षा को महत्व दिया है, कलम को महत्व दिया है, कलम की ताकत आज दुनिया देख रही है बाबा साहब ने जो दिखाई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व दिया होगा। अगर बाबा साहब ने अगर पैसों को महत्व दिया होता तो हम और तुम आज यहाँ पे खड़े नहीं रहते थे, ना तुम गाना गाते सकते थे, ना हम पार्टी में काम कर सकते थे, क्योंकि हमें तो अधिकार ही नहीं था। इसलिए मैं ये बात का निषेध करता हूँ कि जो आपने कहा है इसमें, इस गाने के ऊपर आपने समाज के साथ माफ़ी मांगना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया। पैसों को महत्व तो संदीप ताज ने दे रहे हैं, पैसों को महत्व संदीप ताज ने दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, गाड़ी और बंगला जो है वो कार्यकर्ताओं के पैसों से ले रहे हैं, वो अपने खुद के पैसों से नहीं ले रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के थे तो उनके घर में रहने के लिए जगह नहीं थी, दरवाजा नहीं था, लेकिन आज बड़ा बंगला बन गया है, बंगले के सामने घोड़ा खड़ा है, एक फॉर्चूनर 50 लाख की गाड़ी खड़ी है। तो माननीय बहन जी से हम यही विनंती करते हैं कि बहन जी, ये संदीप ताजने जी जो है महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को, BSP को और आपको धोखा दे रहा है, महापुरुषों के मिशन को धोखा दे रहा है। तो माननीय बहन जी, आप महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान देके जल्द से जल्द हम आपसे विनंती करते हैं कि महाराष्ट्र में ये संदीप ताजने जी के ऊपर एक्शन लिया जाए, और साथ ही हमारे जो प्रभारी जो आए हैं महाराष्ट्र में उनसे भी हम विनंती करते हैं कि ये संदीप ताजने के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मैं अमित बागेश्वर, नागपुर जिला महासचिव। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।